दोस्तों नमस्कार, सब का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वैदिक पंचगव्य पर। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ खाजूवाला एरिया में, और खाजूवाला एरिया से बिल्कुल एकदम पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ एक गांव है। यहाँ पे हमारे को एक बहुत पुरानी बर्डलाइन की राठी गाय मिली है। आप देख सकते हैं इसका नेल फ्लैप, आप देखिए काफ़ी लंबा है, और ये देखिए आप देख सकते हैं जो थन है वो एकदम बिल्कुल पिंक कलर के हैं। चारों थन बिल्कुल बढ़िया हैं, अच्छी मिल्क लाइन की गाय हैं। इसकी जो पूछ है वो भी सफ़ेद रंग की है, और ये इस तरह के ब्रेड लाइन की गायें अभी देखने को नहीं मिलती। आइए इसके ओनर से बातचीत करेंगे। भाई भाई राम राम, क्या हाल है? नमस्कार साहब। नमस्कार। इस गाय की उम्र कितनी होगी है? इतनी उम्र हो गई लगभग 6 वर्ष। 6 वर्ष, ठीक है। और क्या डिटेल है इस गाय की? आइए प्रेम सारस्वत भाई से जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई, जरा गाय की फुल डिटेल बताइए। ये अभी थर्ड लैक्टेशन में बच्चा देगी, बच्चा देने में 1 महीना बाकी है। अच्छा। पिछले बयान में इस गाय ने लगभग 21 से 22 लीटर दूध दिया है। ठीक है। अब की बार हम अनुमान लगा सकते हैं कि 22 से 23 लीटर दूध दे सकते। 22 से 23 लीटर दूध। ये सबसे पुरानी बर्डलाइन की गाय है। ये इस तरह की पाकिस्तान नस्ल, पाकिस्तान में इस तरह की गायें पाई जाती है। अपने यहाँ गाँव में है? यहाँ गायें एक ही गाय, इस पूरे एरिया में एक गाय, दूसरी गाय नहीं मिलेगी आपको। कितने एरिया में? पूरा ये अपने जो खाजूवाला क्षेत्र है ना, पूरा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, मान लो आप बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में इस नस्ल की गाय नहीं मिलेगी आपको। पूरे बीकानेर लूनकंडसर कहीं भी गाय नहीं मिलेगी। अच्छा, इस तरह की बस केवल पाकिस्तान में ही मिलती गाय? पाकिस्तान सिंध का क्षेत्र है ना जो भी। ये आप देख सकते हैं, ये केवल एक ही गाय, इकलौती गाय बची है इस गाँव में। इसकी ब्रेड लाइन कहाँ से चली थी? ये पाकिस्तान ब्रेड लाइन है साहब। पाकिस्तान से? पाकिस्तान की एक बछड़ी थी, वो यहाँ आ गई, उसके बाद में उसी बछड़ी की। अच्छा। जब यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं था, रेड क्लिप ये नहीं था ना, तब किया ये। यहाँ से बॉर्डर कितना दूर है? यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर। और तो पहले के जमाने में कुछ गायें आती थी? हाँ, आती थी जाती थी। अच्छा। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं था ना। ठीक है। 1947 के बाद में बनी है वो बॉर्डर। ठीक है। रेड क्लिप है ना, 47 के बाद, 47 के पहले की जो गायें आई हुई ना, उसी की लाइन की चल रही है। ठीक है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसका एकदम, इसकी आप इसकी आंखें देखिए किस तरह की हैं, बहुत ही बढ़िया। और इसके जो कान हैं वो भी काफी बड़े बड़े हैं, काफी बड़े कान हैं। इसका मुंह का साइज देखिए साहब, ये देखिए माथे का स्लोप देखिए, और ये एकदम भोली भाली लग रही है। बहुत बढ़िया गाय हैं, ये देखिए इसकी गुलाई देखिए, माथे में पूरी बढ़िया। और ये इस तरह की जो ब्रेड लाइन है वो अब इंडिया में तो है ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में देखने को मिलती है। ये एक अकेली गाय बची हुई है। ये भी कई पिछले साल भी मैं इस गाय के बारे में मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी, फिर मैं आ नहीं पाया था पिछले साल। तो इस साल अभी मेरे को टाइम मिला है आने के लिए, और स्पेशली मेरी इच्छा थी कि मैं इस गाय को कवर करूं, क्योंकि इस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर की ब्रेड लाइन की गायें अभी हम लोग इस पर प्लानिंग कर रहे हैं कुछ एम्ब्रियो पे, कि अगर इस तरह की कोई गाय हमारे को मिलती है पुरानी ब्रेड लाइन की हैवी मिल्क लाइन की, और फिर हम इस पर उसके एम्ब्रियो बना के और भाइयों को भी हम लोग दे पाएं। इसका दूध का जो फैट है क्या परसेंट क्या आता है दूध का? 4.8 से 5.0 तक। 4.8 से 5.0 तक, 28.5 मीटर 29 मीटर अपने आप चेक कर सकते हो यहाँ। ठीक है। और कितने लंबे टाइम तक ये गाय? लगभग 35 से 40 दिन पहले ड्राई होती है। ठीक है। अभी 4-5 दिन पहले दूध इसको ड्राई किया ही है, अभी 1 महीना बाकी है। थोड़ा सा ये बर्दे दिखाएंगे इसके, ये देखो सही है, सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल गोंद आ रहा है एकदम बिल्कुल। ये जो शहद जैसा निकलता है ना, ये बस इसका वही लास्ट मंथ चल रहा है। और ये अभी मैं यूं मानता हूँ कि अगर इस तरह की गायें अगर किसी को लेनी है तो पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, इंडिया में तो नहीं है। और अगर किसी, अभी हम लोग इसका अगर एम्ब्रियो बन पाए, और अभी नेक्स्ट लैक्टेशन में ही बन पाएगा एम्ब्रियो, तो अगर हम इसको लेते हैं, इसकी मैं दूध वाली नसें दिखाता हूँ, काफ़ी मोटी नसें हैं, ये देखिए, ये देखिए बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या रखा है भाई? मैंने कुछ नाम वाम रखा है? धोली बोलते हो? ठीक है। इसके बच्चे कैसे आते हैं? इसके वो ये कलर आते हैं। ये कलर कहते हैं। कोई बच्चा है इसका अभी? कहाँ खड़ी है? वो थकल है। किधर? इधर ही।
अच्छा वो वही जो दिख रही हो इसी जैसी ये भी या कुछ थोड़ा अलग है? अच्छा अच्छा बुल अपने पास में इस तरह के सांड नहीं है क्या गांव में? लाल रंग के सांड है ये जो गए ना ये इसलिए ख़त्म होगी क्योंकि इनके ना इस तरह के सांड नहीं थे और बुल ना होने की वजह से ही सारी गायें जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है। देखिए प्योर राठी, राठी में भी ये जो है ना इस तरह की जो कलर अबलग जिसको बोलते हैं वो ये ब्रेड लाइन है। अब अबलग ब्रेड लाइन जो इंडिया में अब नहीं है सर, पाकिस्तान में अपने को देखने को मिलती है। थोड़ा चला के दिखाई इसको, बढ़िया चल बहुत शरीफ है। इसका गलकम्बल देखिए, हम चेक कीजिए गलकम्बल सरावत नेल फ्लैप बहुत बढ़िया एकदम। पूछ नीचे से वाइट है और इसके बस ये दो ही स्पॉट हैं, एक ये पीछे ब्लैक कलर और एक फेस पे, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी की गलकम्बल, बहुत शानदार है। खोल दे इसको, खोल दे कोई बात नहीं। गलकम्बल बहुत ज़्यादा शानदार है और दूध में भी बहुत बढ़िया है। 20 लीटर प्लस की गायें आज के दिन बहुत कम बची हैं, देखने को नहीं मिलती क्योंकि जितनी भी गायें थी तकरीबन सारी के सारी अब लोग ले गए अपनी डेयरी फार्मर्स के लिए। यह देखिए आप गलकम्बल देखिए, बहुत बड़े गलकम्बल, चेहरे की बनावट देखिए बिल्कुल एकदम गुलाई वाला फेस है इसका, बहुत बढ़िया। अब इस वीडियो में कोई भाई ये सोचे देखे कि ये कोई एच एफ ए क्रॉस नहीं है, प्योर राठी नस्ल है, अबलग ब्रीड ब्रेड लाइन और बहुत ज़्यादा रेयर ब्रेड लाइन है, ये हैवी मिल्क लाइन में दूध में अच्छी है। और ये देखिए ये अभी हम इसको प्लानिंग कर रहे हैं इसको अपने फार्म पर जाने की, अगर ये थोड़ा रेट वेट में ठीक चलता है तो फिर हम इसको लेके जाएंगे और इसके नेक्स्ट ईयर जब ये बच्चा दे देगी फिर हम इसको मिल्क रिकॉर्ड करा के और इसका फिर छोड़ दो फिर हम इस पे काम करेंगे इसकी बढ़िया एम्ब्रियो पे। ये देखिए सर, ये देखिए आँखें देखिए इसकी, बहुत ब्यूटीफुल आँखें, बहुत शानदार। अभी हमारे देश में राठी की ब्रेड लाइन धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है क्योंकि राठी पे अब काम करना पड़ेगा भाई लोगों को।